अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम। सो गाइस, अभी जस्ट मॉर्निंग का टाइम हुआ है, सो अभी उठा हूँ तो पहले ब्रश कर लेता हूँ, फिर वजू करके नमाज पढ़ लेता हूँ। सो उससे पहले आपको बताता हूँ कि आज रात को बहुत यहाँ पे बारिश हुई है। आज रात इतनी बारिश हुई है कि एज यू सी के जो हमारी मक्की है वो गिर चुकी है, टूट चुकी है। सो जब भी बारिश होती है तो जब फसल कटाई से पहले तो कभी ना कभी मक्की जो है टूट जाती है, इसलिए तो क्या करें, नेचर का लॉ एक्चुअली। सो सुबह का टाइम है ये, बस थोड़ा थोड़ा सा निम्बल, थोड़ा थोड़ा सा चाड़ बोलते हैं इसको, वैसा है। तो ब्रश करके आपको सीधा आप किचन में क्या बन रहा है जी? चपाती बना रहे हैं। चपाती बन रही है, मतलब ब्रेकफास्ट बन रहा है। सो हम ब्रेकफास्ट करेंगे, सुबह निकलेंगे राजौरी के लिए। सो ये देखो, मम्मा गए हुए डुल्ले में, गए हुए सकराड़ी में, गए हुए तो वहाँ पे एक सब्जी चुन रहे हैं। देखो मिठे करेले जो हमने बोले थे, आप बताए थे पिछली वीडियो में। सो गाइस अभी और सब्जी ले आते हैं मम्मा, तो पैक शैक करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो थोड़ी देर बाद निकलते हैं। सो मिलते हैं आगे, नेक्स्ट लेते हैं भी, ठीक है? तो अभी हम चढ़ाते हैं चूल्हे पे नमकीन चाय बनाने के लिए। पैन रख दिया है, इसलिए तो ये हमने डाला इसमें नमकीन चाय का रंग। ओके, सब्जी यहाँ पे देखो हम लेके जाएंगे जो अपने साथ। वी हैव बैंगन्स, वी हैव मीठे करेले, वी हैव वन ककड़ी एंड वी हैव वन अल। हम घर लेके रजौरी लेके जाएंगे, अपने आराम से वहाँ पे खाएंगे बैठ के। कड़म सारा खत्म हो गया। तो एज यू नो गाइस, आज रात को बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारी कड़म सब्जी जो थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और ये हम थोड़े बहुत आए डार्लिंग, मैं हम जा रहे हैं, सोच। तो गाइस मैग जो है बीमार है एक्चुअली, उसको बुखार चढ़ा हुआ है एक्चुअली। सो सॉरी, इसको हम सोने देते हैं, तो हम तैयार होते तो निकले। सो गाइस अभी हम जस्ट तैयार होते हैं, तो कपड़े वपड़े लगाते हैं तो निकलते हैं फिर, ठीक है? सो मैक बेबी, बेबी मैक चलना है, मर्स चलना है? नहीं, स्कूल नहीं जाना आज। क्या, क्यों? बीमार हो, बीमार हो गई। गाइस निकलते हैं अब सीधा। मम्मी नींद आई है, सो जाओ। बाय गाइस, बाय बाय, हम निकलने लगे फाइनली। अभी हम रजौरी के लिए निकलने लगे हैं, मैक सोई हुई है, तो कैमरामैन को छोड़ के हम जा रहे हैं, अलविदा कर रहे हैं। बाय मैक। तो अभी हम निकलने लगे, अब हम मम्मा से मिलते हैं, वे निकलते हैं। छुट्टी हुई है, कैसे जाओगे? बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा। हाँ मम्मी बोले ठीक है, अल्लाह के हवाले। तुझ जाओ अंदर सोई रहो, जाओ जाओ, आप आओ, मैं चलती हूँ आगे तक, ठीक है? ठीक है मम्मी, बाय। हो गया है, पूरी मक्की टूट गई है। ओहो ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो पूरी टूट गई है। हम सुबह सुबह निकलने लगे थे, अब बाइक कैसे निकलेगी, बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा पीछे कर रहे हैं डैडी, इधर से भी उठा के पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कितनी बुरी हालत हो गई है। तो अब यहाँ से बाइक निकालने का रास्ता निकाल रहे हैं डैडी। ये देखो बिल्ले शिले सब कुछ टूट गए हैं, बुरी हालत हो गई है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तूफानी बारिश थी। ये देखो बेचारे खीरे भी टूट गए। निकले जासी उन, ठीक है डैडी।
पूरी मक्की की बुरी हालत होगी। यहाँ से बाइक अब निकालेंगे तो निकलेगी बाइक, कैसे हालत ही खराब हो गई है। यहाँ से मक्की टूटी हुई है, यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो ये रास्ता कुछ साफ थोड़ा सा, क्योंकि ये देखो बहुत बुरी हालत हो गई है बारिश की वजह से। और ये देखो अब रास्ता बहुत खराब है ना। हाँ ठीक है मम्मी, जा रहे हम, वो चलेगी। था आपने मक्की पूरी टूटी हुई है क्योंकि रात को बहुत तूफानी बारिश हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा तूफानी बारिश हुई थी। तो अभी हम आगे वो चले गए हैं, थोड़ा रास्ता ख़राब है तो मैं आगे से बैठूंगी। ये मेरे घर की लोकेशन फ्रेंड्स, ये देखिए मक्की की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, फसल लोगों की मारी गई है, फसल की बुरी हालत हो गई है। तो अभी यहाँ से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे घर आके बहुत अच्छा लगा, मम्मी डैडी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब बातें शातें करना, घूमना फिरना, मतलब बहुत सुकून की लाइफ, अच्छी लाइफ है। तो क्या करें फ्रेंड्स, अभी ड्यूटी भी करना ज़रूरी होता है। तो अभी हम जाने लगे, तो ये देखो हालात, देखो रास्ते में ना हालात ख़राब कैसे हैं, ये देखो रोड की और गलियों की मैं आपको बताती हूँ। ये पहुँच गए आगे पुली तक, तो अब फाइनली मैं उधर बैठूँगी। हम अब रजौरी के लिए ट्रैवल करेंगे, देखिए खड़े हैं वहाँ पे आपके भाई। तो ये बारिश का कुछ इस तरह से हुई है कि हालात देखो सबकी, फसल मारने हो गई है, बुरी हालत हो गई है। आप पहुँच गए हो, हेलो। ये देखो रात को बहुत नदी आई हुई थी और वो नदी यहाँ तक आई हुई थी पीछे तक। तो ये देखो अब तो कम हो गया पानी, लेकिन रात को बहुत ज्यादा पानी था। सो ये देखो दरिया का कुछ इस तरह का व्यू है। ये देखो नदी तो रात को इधर से ऊपर भी गई थी, इस पुली से ऊपर इतनी ज्यादा थी। अभी तो बहुत मौसम बना हुआ बारिश का फिर से, ये देखिए बादल छाए हुए आसमान पे। ये देखो अल्लाह करे हम इंशाल्लाह आराम से पहुंच जाए। तू हमें चलो चलिए, कहाँ चल गए, चलिए मैं बैठने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स ये निकल चुके हैं रजौरी के लिए, ये देखिए रोड की हालत देखो बारिश की वजह से और ही खराब हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी। ये देखो कैसे नाले बने हुए रोडों में, ये देखो देखो पहाड़ रख रहे हैं बारिश के, मतलब बारिश हुई है, देखो कितना फ्रेश हरियाली हरियाली लग रही है, पता है खत्म हो जाएगी, लेकिन कितना मतलब सुंदर लग रहा है सारा एरिया, मतलब बहुत इस टाइम मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। बहुत ही बारिश की बारिश, ये चनार और यहाँ की व्यूअर्स को बताओ कि आगे हम कौन सी रोड से जा रहे हैं, दरिया से जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम दरिया से जा रहे हैं, यस बड़ा अच्छा ये दरिया का रास्ता है, बहुत खतरनाक रहा है, गाड़ी भी चलती है, मोटी यहाँ पे गाड़ी चलती है। अभी यहाँ ये दरिया है, अभी से सूखा हुआ, अभी दरिया रात को पानी साफ हो गया, बहुत खतरनाक है वो। ये देखिए फ्रेंड्स इस रोड से हम जा रहे हैं घर, और ये रोड कभी बनेगी भी नहीं थाना मंडी की, जब से मैं छोटी सी था बड़ी भी हो चुकी हूँ तो तब से ये रोड ऐसी की ऐसी है, इस रास्ते ये रास्ता भी ऐसा ही है। ये देखो हालत देखो, ओह गॉड। तो मैं रजौरी एडमिशन में ये अपील करता हूँ कि वो फाइनली इस मैटर को देखें, तो ये रोड जो प्लीज़ ये रोड ठीक करें, इस रोड की कंप्लीशन होनी है, जल्द से जल्द पूरा करें। दुल्ले में जो टाई है वो टह चुके हैं, थल्ला थल्ले टाई है, चुकने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, काटने में कटिंग जब करेंगे वो मुश्किल और टफ लगेगा सबको। ओह माय गॉड, यहाँ
जंप। सो ये देखो,